हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सेफ तरीके से अपने घर पे स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्या हुआ है कि अभी अभी आईसीआई के चेयरमैन धीरज खंडेलवाल जी का एक इम्पोर्टेंट ट्वीट आया है और ये ट्वीट जो है सीए एग्ज़ाम से रिलेटेड आया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या ट्वीट आया हुआ है। अभी क्या हुआ है, 4 घंटे पहले उनका ये ट्वीट आया है। देख लेते हैं इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है। तो देख सकते हैं ये ट्वीट है, इसमें ये बोलते हैं कि आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर कंसर्न अबाउट एग्ज़ाम। तो बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि आप सभी लोग एग्ज़ाम के लिए कंसर्न है कि वो पोस्टपोन हो गया नहीं। तो बोल रहे हैं कि वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट आई सी आई केयर्स फॉर यू। तो बोल रहे हैं कि आई सी आई अपने स्टूडेंट्स की केयर करता है। तो हम लोग सभी जानते हैं आई सी आई केयर करता है। आई सी आई इज़ एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड विल टेक डिसीजन एट अप्रोप्रिएट टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बोल रहे हैं कि आई सी आई अभी अभी क्या कर रहा है, सिचुएशन को क्लोजली एनालाइज कर रहा है और जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में डिसीजन लेगा। इसके बाद में बोलते हैं कि रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू फोकस ऑन योर स्टडी एंड स्टे सेफ। तो बोल रहे हैं कि आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करो और अपने घर पे सेफ तरीके से रहो। तो दोस्तों, हम लोग भी आपसे यही बोलना चाहते हैं कि एग्ज़ाम चाहे मई में हो या उसके बाद हो, आप लोग अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए और अपने घर पे सेफ तरीके से स्टडी करते रहिए, क्योंकि जो भी होगा स्टूडेंट्स के फेवर में ही होगा।